हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो मैं प्रैक्टिकल आपको करवाने जा रही हूँ वो है टू परफॉर्म विडाल टेस्ट ऑन गिवन एग्जांपल। ठीक है, हम क्या करेंगे, आज का जो एम है वो लिखेंगे परफॉर्म विडाल टेस्ट। अब विडाल टेस्ट होता क्या है? विडाल टेस्ट इज एन एग्लूटिनेशन टेस्ट इन विच स्पेसिफिक टाइफाइड फीवर एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाय मिक्सिंग द पेशेंट सीरम विद विच किल्ड बैक्टीरियल सस्पेंशन ऑफ साल्मोनेला कैरिंग स्पेसिफिक ओ एच ए एच एंड बी एच एंटीजन्स एंड ऑब्जर्व फॉर क्लंपिंग दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो विडाल टेस्ट एक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है जिसमें हम किसको चेक करते हैं, टाइफाइड फीवर को। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट के अंदर, अगर पेशेंट को टाइफाइड फीवर है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी, तो हम उसमें एंटीजन डाल के उसकी एग्लूटिनेशन देखेंगे। अगर एंटीजन रिएक्ट कर जाता है पेशेंट के ब्लड से, इट मींस उसके अंदर टाइफाइड की एंटीबॉडीज हैं, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब प्रोसीजर क्या है, विडाल टेस्ट को हम दो तरीके से कर सकते हैं। वन इज रैपिड टेस्ट एंड उसको हम करते हैं स्लाइड पे, एंड अनदर इज ट्यूब टेस्ट इन विच रिजल्ट मे बी ऑब्टेन्ड आफ्टर वन नाइट ऑफ इंक्यूबेशन। उसमें हमें ट्यूब्स में डाल के उसको इंक्यूबेट करना होता है और एक दिन के बाद हम उस पर रिजल्ट देखते हैं। अब हम करते हैं रैपिड स्लाइड टेस्ट। रैपिड स्लाइड टेस्ट में आपने क्या करना है, क्लीन द ग्लास साइड और टेस्ट कार्ड सप्लाइड इन द किट वेल एंड मेक इट ड्राई। सबसे पहले आपने अगर टेस्ट कार्ड किट दी हुई है, आपने टेस्ट कार्ड ले लेना। अगर वो नहीं है तो एक सिंपल ग्लास स्लाइड ले सकते हैं, उसको आपने लेबल करना है सर्कल के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कितने सर्कल्स बनाने हैं, 6 इन द टेस्ट कार्ड एज ओ एच ए एच बी एच नेगेटिव कंट्रोल एंड पॉजिटिव कंट्रोल। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ अनडाइल्यूटेड टेस्ट सीरम इन ईच ऑफ द नेगेटिव कंट्रोल सीरम इन सर्कल 5 एंड पॉजिटिव कंट्रोल सीरम इन 6। आपने क्या करना है, जो पहले 4 ड्रॉप्स होंगे उसमें आपने सीरम डालना है, और जो लास्ट के 2 ड्रॉप्स होंगे उसमें आपने पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल डालना है। उसके बाद आपने फर्स्ट ड्रॉप में एंटीजन ओ, एंटीजन एच, एंटीजन ए एच और एंटीजन बी एच 1, 2, 3, 4 में डालना है, और एंटीजन इन सर्कल 5 एंड OH एंटीजन इन सर्कल 6 में डालना है। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको मिक्स करना है सर्कल को विद अ सेपरेट वुडन एप्लीकेटर या किसी भी मिक्सिंग स्टिक से, और उसको स्प्रेड करना है पूरे होल एरिया ऑफ द इंडिविजुअल, जितना उसका सर्कल है उसको पूरा स्प्रेड करना है। फिर उसको आपने 1 मिनट के लिए उसको रोटेट करना है और ऑब्जर्व करना है एग्लूटिनेशन के लिए। अब नॉर्मल रेंज होती है विडाल टेस्ट की, वो क्या होती है, डायग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ द विडाल टेस्ट वॉज मे अश्योर्ड इन एन एंडेमिक एरिया। द टेस्ट वॉज डन ऑन 300 नॉर्मल इंडिविजुअल्स, 297 नॉन टाइफाइडिकल फीवर एंड 27.5 बैक्टीरियोलॉजिकली प्रूवन केस ऑफ टाइफाइड एट 300 नॉर्मल इंडिविजुअल्स। 2% हैड एन एच एग्लूटिनेशन टू ऑफ 1/60 एंड 5% हैड एन ओ एग्लूटिनेशन। सो ये इसका रिजल्ट है, मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ। आपने जो लेफ्ट साइड पे लिखना है वो क्या है, सो लेफ्ट साइड पे आपने सबसे पहले एम लिखना है, टू परफॉर्म विडाल टेस्ट ऑन गिवन एग्जांपल। देन रिक्वायरमेंट हमें इसके लिए क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, नीडल सिरिंज या कुछ भी, सेंट्रीफ्यूज, कॉटन स्वैब, स्लाइड, विडाल किट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किट को नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देना, उसके बाद उसके साथ जो कार्ड दिया होता है उस पर 4 एंड 5, अगर नहीं है तो आप स्लाइड ले लीजिए, उस पर 6 सर्कल्स ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें आप डालोगे सीरम, पेशेंट का ड्रॉप, पेशेंट सीरम 1 ड्रॉप, इसमें भी 1 ड्रॉप, इसमें भी 1 ड्रॉप, इसमें भी 1 ड्रॉप। ठीक है, इसमें आप पॉजिटिव कंट्रोल डालोगे जो आपको किट के साथ प्रोवाइड है, और यहाँ पे आप नेगेटिव कंट्रोल का 1 ड्रॉप डालोगे जो आपको किट के साथ प्रोवाइड है। उसके बाद आपने जो विडाल टेस्ट का रिएजेंट होता है, एंटीजन होता है, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। 1 ड्रॉप सीरम डाला था इसमें, प्लस 1 ड्रॉप ऑफ वन ड्रॉप आपने इसमें डालना है ओ एंटीजन, सेकेंड वाले में 1 ड्रॉप एच का, थर्ड वाले में 1 ड्रॉप ए एच का, फोर्थ वाले में 1 ड्रॉप बी एच का। ठीक है, पॉजिटिव कंट्रोल में आपने पॉजिटिव कंट्रोल डाला हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें आप कोई रिएजेंट नहीं डालोगे,
ठीक है, अगर इसमें डालना हो तो आप इसमें ओ एंटीजन डाल सकते हैं, एंड लास्ट वाले में आपने ओ या एच एंटीजन डालना है, इसको मिक्स करना है एंड सी फॉर द एग्लूटिनेशन। ओके, सो ये था आपका प्रैक्टिकल वाली साइड। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ समझ ना आया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।